हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो यहाँ मौसी जी, लड़ाकी मौसी जी, एक बार भी अपने मुंह से नहीं उगली कि समर और गुनगुन कहाँ है। अंकित ने इतना वार्निंग दिया उनको, इतना धमकी भी दे दिया कि बता दो, नहीं तो अब हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। मगर मौसी जी टस से मस नहीं हुई, उन्होंने तो सीधा बोल दिया है कि मैं तो अपने बचुआ का पता नहीं बोलने वाली हूँ, चाहे तुम लोग जो भी करना है कर लो, कानून का सहारा लेना ले लो, पर मैं अपने बच्चे का पता नहीं बताऊँगी। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी राधिका के पापा और अंकित को कि जाओ पुलिस को बुला के लाओ, पुलिस को बोलो कि ये ऐसा ऐसा बोल रही है, इनको समर का पता सब पता है, ये भी समर के साथ शामिल है उसको भगाने में, तो तुम इनके इन पुलिस से इनको थप्पड़ खिलाओ। पुलिस जब दो तीन चाटे मारेगा ना, स्पेशली लेडीज़ पुलिस, तब ये ठीक हो जाएगी। और लेडीज़ पुलिस को ही लेके आना, जेंट्स पुलिस को लेके मत आना। ये मैं राधिका के पापा से बोल रही हूँ। राधिका के पापा जी, आप तो सच में, आपके पता नहीं ब्रेन में क्या ताला लग गया है कि ब्रेन में जंग लग गया है। आप अगर एक लेडीज से आप भिड़वाते हो तो किसको, जेंट्स पुलिस को? जेंट्स पुलिस आए दिन आ जाता है, जेंट्स पुलिस को बोलो साथ में लेडी कांस्टेबल को लेके आने के लिए। अब मार खिलवाओ इन मैडम को, ये मैडम दो थप्पड़ जब खाएंगी ना, इतना चपड़ चपड़ जो करती हैं पुलिस के सामने, मुंह एकदम बंद हो जाएगा। और चपड़ चपड़ जो है वो अपने आप बता देंगी, सीधी उंगली से जब नहीं घी निकलता है ना तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तो आपको पता ही अंकल जी। तो फिर आप लोग क्यों नहीं पुलिस के पास जा रहे हो, पुलिस को क्यों नहीं बोल रहे हो कि ये सब जानती है कि समर कहाँ है और ये हम लोग को नहीं बताना चाहती है? तो अपने आप ही एक मुजरिम का जो ये साथ दे रही है वो साथ अपने आप ही निकल जाएगा। रहा सवाल अंकित का, अंकित तुम्हारे पर मैं तो भरोसा करती हूँ नहीं, पर तुम तो इतने बड़े बड़े काम किए हो, तुम्हारे पर भरोसा कैसे करें? पर अभी तुम जो राधिका के पापा का साथ दे रहे हो, प्लीज़ साथ देना है तो अच्छे से दो, जाके पुलिस को बुला के लाओ, क्योंकि उनसे तो शायद कुछ होने वाला नहीं है। तुमसे थोड़ा उम्मीद रख रही हूँ कि तुम जाके पुलिस को लाओ और ला के तुम बोलो कि ये औरत ऐसे से बोल रही है, अब इनका क्या किया जाए। तो ये छपरा यूनिवर्सिटी से पास आउट जो अंकित ने कहा, तो इसमें तो मुझे इतनी हंसी आई, पर मुझे तो ये छपरा यूनिवर्सिटी की भी नहीं लगती, मुझे कौन सी छपरी लगती है, गॉड नोज। ये क्या है, ये कौन से दुनिया, कौन से प्लैनेट्स को बिलोंग करती हैं ये खुद ही जानती है, इतना तो समर की मम्मी भी नहीं थी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं समर और समर गुनगुन का पता लगता है कि नहीं, और क्या अंकित करता है आगे चल के। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, जो मेरे ब्लॉग को आज लाइक किए प्लीज़, पसंद किए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो चैनल नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।